How? बोलता हूँ, मेरा नाम मसूद बिन हसन अल जाबरी है। मैं बच्चे की शादी करके जब से परेशान हूँ, बहुत बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं मेरे बच्चे के ऊपर, और रात के समय भी जो सब मेरे बच्चे के ऊपर हमला करे। मालूम हुआ चंदनगुट्टा पीएस में मैं कंप्लेंट किया उसका, और एसीपी साहब डीसीपी साहब से गुजारिश है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और असद साहब अकबर साहब से भी गुजारिश है कि हमारे लिए मदद कीजिए कुछ भी। ये सिलसिला बड़ा चलते जा रहा है, दोनों तरफ से लड़की की शादी करके लाए, उसके बाद उन्होंने जो है सो केस डाले के जो है सो 2 लाख रुपये मंग रहे बोल के। हम 2 पैसे के रवादार नहीं है, हमारे कने सारे चीज़ों का प्रूफ है, शादी के हर चीज़ का प्रूफ है। उनका ने कोई चीज़ का प्रूफ है बता दो, शादी खाने के छिट्टियों से लेके खाने से पीने से हर चीज़ से दोनों तरफ से करे, शादी का भी, बच्ची का और बच्चे का भी। उसके बावजूद भी जो है सो फिर हम 2 लाख रुपये डिमांड करें बोल के हमारे ऊपर केस डाले। हम एसीपी साहब डीसीपी साहब और अकबर साहब से मदद के लिए गुजारिश कर रहे हैं, आप सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। कौन मारे इनको? इनके छोटे साले साहब वार कर रहे हैं, पीछे से और सामने से वार कर रहे हैं ऑटो के अंदर आकर। क्या नाम है इनका? नाम सैयद इरफान साहब। इनके साले है, बड़े साले वही है, सास जो है सो सैयद जारा है इनकी, वो बच्ची की लड़की का नाम, और मैं जिनकी करके लाया शादी वो जहरा है नाम, और मेरे बच्चे को जान का धोखा है। और जो है सो आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज वार करें कल कुछ भी कर सकते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है साहब? इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, और अकबर साहब असद साहब से मैं अदबन तौर गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर बिन मसूद है, मैं चंद्रानगुट्टे में रहता हूँ, और मेरी वाइफ और मेरी सास ऐसा वाइफ को बिठा लिया वहाँ घर में, रमज़ान से 4 महीने हो गए और बच्चों से मिलने नहीं दे रहे, बहुत हरासमेंट कर रहे, बहुत टॉर्चर कर रहे और बहुत तंग कर दे रहे। पीएसओं को बुला रहे यहाँ वहाँ, काम करने नहीं दे रहे, परेशान कर दे रहे, पैसे लाओ बोल के डिमांड कर रहे पैसों की। 2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए हम लोग मांग रहे बोल के ऐसा FIR कर दिए। हालांकि 2 तरफ से शादी मैं करा, 2 तरफ से प्रेसिडेंट फंक्शन हॉल में बल्लागुड़े में 2 तरफ से शादी मैच करा, हर चीज़ मैच दिया, सामान वामान सब मैच ले लिया 2 तरफ से, 1 रुपया भी नहीं लिया उनका कुछ भी। कितने बच्चे हैं आपको? दो बेटियाँ हैं। मेरे बेटा कितने? एक 20 दिन के एक है और एक साल 1 महीने के एक है। आप क्या काम करते? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। आज वहाँ गया था मैं शाही नगर में बच्चों से मिलने के लिए, वो गाली गलौज दी है, बहुत गाली गलौज करे, जो जिसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे फ़ोन में। और फिर मैं वहाँ से निकल रहा था तो पत्थर फेंक के मारे मेरे को, सर पे लगा मेरे को पत्थर, फिर सास बाला पकड़े तो मैं छुड़ा के भाग गया वहाँ से। फिर मैं एक फ्रेंड के साथ था, फ्रेंड को छोड़ दे के घर की गली में जा रहा था तो ब्लेड से सामने पीठ के पीछे आके ब्लेड से वार करे पहले। फिर साले क्या नाम है? इरफान, सैयद इरफान। ये सैयद इरफान मारे पहले पीठ के ऊपर वार करे, मैं पलटे तक सामने मार के नू भाग गए जी। चंद्रानगुट्टा पीएस में कंप्लेंट करा मैं।
तो यहाँ से पीएस से फ़ोन गया तो वो लोग बालापुर पीएस को बुलाए, वहाँ पे बालापुर पीएस को जाके कंप्लेंट करे वो लोग भी, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं करे। बालापुर पीएस में साइन करो बोले, मैं बोला साइन नहीं करता हूँ एडवोकेट से बिना पूछे, मेरे को ऐसा एमएलसी कराए सो है मेरे को, और चंद्रानगुट्टा पीएस में केस चल रहा मेरा बोल के ऐसा बोला सो। क्या चाह रहे हैं? अब गुजारिश है कि डीसीपी साहब से और सर्कल साहब से गुजारिश है कि ज़रा जो भी है मदद की गुजारिश है। और वो उनके मेरे साढ़ू है सैयद याकूब हुसैनी है, उनकी शादी से ही ये चालू हुआ सो है। उनके उनके बड़े भाई जो सैयद याकूब हुसैनी के बड़े भाई तलाकशुदा है, जिसके वो बोल रहे कि अगर वो सही नहीं है तो छोड़ दो, मैं इनसे करा देता हूँ शादी, दो बच्चों को भी ये पाल लेते हैं, ये अमीर है पैसे वाले है। हालाँकि मैं हर चीज़ से देखा था उनको, हर चीज़ से खुश रखा था, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दिया था उनको।